गेम इज ओवर। अब तालिबान आपसे छोटे नजर आ रहे हैं। आपसे एक फॉरनर जो 11 साल से पाकिस्तान में रह रहा था, दो बच्चों का, मासूम बच्चों का बाप था वो, उनकी बददुआएं बर्दाश्त नहीं, ये पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ये मैं बता रहा हूँ। इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वक्त मैं बता रहा हूँ, आप तो पहले ही बहुत पीछे थे, इंडियन डायस्पोरा को तो, इंडियन लॉबी को तो आपके पास सकत ही नहीं ना उनको फेस करने की, लेकिन उनको आपने इतना बड़ा टूल उनके हाथ में दे दिया, आप सोच नहीं सकते कि इसकी प्राइस कहां पे करेंगे आप। तालिबान भी आप अब छोटे नजर आ रहे हैं, तालिबान को भी आप तालिबान से भी आगे जा चुके हैं। पूरी दुनिया हमारे मुतालिक क्या सोच रही है, तो मैं आपको पहले ही बताती चलूं कि यूरोपीय यूनियन की इस हवाले से स्टेटमेंट आ गई है। इसको इंडियन लॉबी और ज्यूइश लॉबी आपको मुसलसल हार्ट करेगी अगले आने वाले दिनों में। यूरोपीय यूनियन जो है उन्होंने पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के हवाले से अपने कंसर्न्स शो कर दिए हैं और उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान है और खास तौर पर यहाँ पर इंटॉलरेंस और रिलीजियस इंटॉलरेंस जो है उस पर उनको कंसर्न्स। आपके हालात माशी ये हो चुके हैं चीमा साहब, आपका डॉलर 191 में कभी ब्लैक मार्केट में नहीं मिल रहा इस वक्त, आपका 400 अरब रुपए का एक मिनी बजट आ रहा है। अब मैं आपको एक और बात बताने चलूं, आज नुमाइंदे आपकी गवर्नमेंट के किधर हैं जो कहते थे इंडिया के साथ पेट्रोल को कंपेयर करते थे, इंडिया में, इंडिया के अंदर 18 रुपए पेट्रोल सस्ता हो गया, इंटरनेशनल मार्केट में 15 डॉलर पेट्रोल सस्ता हो गया, आपका सस्ता क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने मुल्क बेच दिया IMF के सामने। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप देखिएगा कि इस वाकये के बाद पूरी दुनिया से किस किस्म का बैकलैश हमारे ऊपर आता है और जरूर जो है वो इस तरह का इजहार किया जाएगा। आप देखिएगा, हमें एक तरफ ये भी बहुत ज्यादा फिक्रमंदी है कि GSP+ स्टेटस जो है उसका वो क्या करेंगे, आगे आगे देखिए होता है क्या। आपने सस्पेंस कर करके लोगों को मार दिया, मेरे लोग इतना घुटन इस वक्त पाकिस्तान में महसूस हो रही जिसके हाथ को नहीं, फैट ऑफ के शोर डालते थे, अब फैट ऑफ किधर गया। आप कहते थे कि अच्छा लगा दो इसको, मैं तो कहता हूं इनको सबसे आसान तरीका है इसको रा और CIA की कार्रवाई लगा दो, मैं कहता हूं जान छुड़ाओ अगर यही करना है। मैं समझता हूं, मैं हमेशा चीखता था कि भारत के अंदर लिंचिंग होती है, मुसलमानों को मारा जाता है, आप तो उनके भी नंबर काट गए। मेरा ये इंसानियत इस तरीके से मेरा मकसद है, मैं जानवर भी नहीं इस तरह, मैं नाउज़ बिल्ला इस तरह करते हो। देखे मैं ये समझता हूं कि पूछना चाहिए था भाई किस तरह हुआ है, क्यों हुआ है। सियालकोट के अंदर पहले इन्होंने दो भाइयों को वो मारा था इसी तरीके से। मेरी समझ से बाहर है कि इस वक्त हमें गवर्न कौन कर रहा है, हमें लीड कौन कर रहा है, या आगे फ्यूचर में कौन करेगा। जो भी जिम्मेदार अदारे हैं, जिनको जो भी जिम्मेदारान है, उनको अपने अपने वो अपने अपने वो जो बिलों से बाहर निकल के लीड करना पड़ेगा। इस तरह नहीं चलेगा। खान साहब ने तो कह दिया कि 3 महीने मिनिस्टर बाहर नहीं जाएंगे, उन्होंने तो 3 महीने बता दिया कि 3 महीने क्रूशल है। वो तो हालत जंग में उन्होंने तो अपना अपनी पोजीशन ले ली है, बल्कि मुझे किसी ने यहां तक बताया कि उन्होंने कहा कि मिनिस्टर 3 महीने इस्लामाबाद से भी बाहर नहीं जाएंगे, हालात इतने नाजुक हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर ये हालात हैं और इन हालात में ये जो है, मेरी नजर में एजेंसियों के बगैर पाकिस्तान चिड़िया पर नहीं मार सकती। इतना बड़ा वाकया हुआ है जो पाकिस्तान को मैं समझता हूं 20 साल पीछे ले गया। आप मुझे ये बताएं, मैं बाहर बैठा ओवरसीज पाकिस्तानी हूं, हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी लगाई जाती थी कि पाकिस्तान का इमेज साफ किया जाए। रहील शरीफ साहब ने कहा था कि हमने अच्छे तालिबान बुरे तालिबान की पॉलिसी कैंसिल कर दी है, हमने 75,000 लोगों की जानों का नजराना पेश किया है दहशतगर्दी के खिलाफ। आज फिर आप कहां हैं? आज आपको अंदाजा ही नहीं है। पाकिस्तान इसको बहुत लाइटली ले रहा है, बिल्कुल बहुत लाइटली ले रहा है, लेकिन मैंने वो इमेजेस देखे हैं कि अब इस वक्त इंसानियत, मैं हैरान हूं। चीमा साहब एक मिनट के लिए जरा उस पॉइंट पे जाएं कि जलती लाश पीछे पड़ी है और लोग सेल्फियां ले रहे हैं उसके साथ। स्टेट ऑफ माइंड देखें, स्टेट ऑफ माइंड। और मैं सबसे पहले आपको मैं बताई थी, मैंने एज ए लॉयर मैंने जिंदगी में पढ़ा था व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ पनिशमेंट। फिलॉसफी ऑफ पनिशमेंट ये होती है कि अगर सोसाइटी में इस तरह का जुर्म किया जाए तो उसकी सजा इबरतनाक दी जाती है ताकि दूसरी सोसाइटी उसको कमिट ना करे। लेकिन यही है कि आपकी जुडिशरी भी फेल है। आपके अली अहमद कुरत साहब के जो वाकया जो उन्होंने कहा है, मैं एक एक लफ्ज उनसे एग्री करूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, जो पंच लाइन दी है तारड़ साहब के, तालिबान भी आज शर्मिंदा है। हमने तो तालिबान को भी पीछे छोड़ दिया, दुनिया तो तालिबान को समझ रही थी ये बर्बरिक है, हम तो उससे भी आगे निकल गए हैं कि ये जो बर्बरिज्म है हमने तो उसकी भी मिसालें कायम कर दी है, शायद ऐसी नहीं कहीं मिलेंगी। आज मैं बता रहा हूँ तालिबान बहुत अच्छे लग रहे हैं आपसे, जिस तरीके से वो अब देखे ना, वो जिस तरीके से अमेरिका से बातें कर रहे हैं, जिस तरह दूसरे ममालिक से कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने लॉ आप थे, तो मेरा बस इंसानियत शर्मिंदा। आज पाकिस्तान पे इंसानियत शर्मिंदा है। मैं मेरे पास तो वर्ड्स नहीं है। मैं कहता हूँ चीमा साहब वो बंदा कसूरवार था, उसको अगर उसने गलती की थी सजा मिलनी चाहिए थी उसको, लेकिन कोर्ट देती उसको, कुकाजी देता यार। अब जज सुप्रीम कोर्ट नहीं, इस्लामी नजरियाती काउंसिल में ले जाते, कोई अपने बल से छुरा बिठा लेते,
को मौलवी बिठा लेते, गुकाजी बिठा लेते, लेकिन उसका हक था, उसको गवाहियां होती, उसको उसको ड्यू प्रोसेस किया जाता, उसे पूछा जाता कि यार तुम उर्दू अरबी जानते हो, तुम्हें पता था कि जो तुम कर रहे हो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तुम्हें वहां पे शहादतें होती, गवाहान होते, वहां पे सारा कुछ आता, मंजरे सारा मंजर सामने आता। ये इस तरह अगर हर बंदे ने जाके लोगों को इस तरह आपने खुद मारना है, किसी को पकड़ के आग लगा दो, कौजी इसने ये किया था। और आप मुझे ये देखे चीमा साहब, मुझे अफसोस इस बात का, आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुओ मोटो एक्शन लिया इस पे? नहीं, कोई टूटी फूटी स्टेटमेंट एक आई है प्राइम मिनिस्टर से, मैं समझ इज नॉट सफिशियंट एट ऑल। और कंट्री कम, मैं कहता हूं कंट्री, आप इस वक्त मैं अगर मुझसे पूछा जाए एज बीइंग अ पाकिस्तानी अमेरिकन, एज अ पाकिस्तानी, इस वक्त आपके मजहबी आपके हलकों को इकट्ठा होना चाहिए था, कंडेम करना चाहिए था, बाहर निकलना चाहिए था, इनको चाहिए था कि एक कॉन्फ्रेंस बुलाते, उसकी उसकी उसको रिस्पेक्ट उसकी बॉडी को करते, जख्मों को हील करने की कोशिश। मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन है, इतना बड़े इतनी बड़ी जर्ब लगी है पाकिस्तान की सॉवरेंटी और पाकिस्तान की रिस्पेक्ट पे, किसी ने इन पे इस पे जख्मों पे मरहम रखने की कोशिश की? कोई हीलिंग प्रोसेस कहीं से शुरू किया हो किसी ने? कोई किस तरीके से आप जाके बाहर के मुल्कों बाहर जाके बताएंगे कि हम क्या है? अब तो तालिबान को तो आप छोड़ दें, पहले आप उनके लिए पैसे मांगते थे, अब तो आपको खुद ही नहीं दे रहा, अब तो सऊदी अरब भी देता है तो वो भी कहता है कि हम 72 घंटे के अंदर अंदर पैसे मांगने की सलाहियत रखेंगे, सऊदी कानून लगाएंगे। अब तो आपके हालात ही खराब है ना, अब तो आप, मेरा मकसद है, मैं आपके फाइनेंशियल देख देख के तो मुझे कई दफा रात को नींद नहीं आती कि पता नहीं किस तरीके से हमने पाकिस्तान आगे फ्यूचर में जाना, किस तरीके से एयरलाइन फ्लाई करेंगे, किस तरह क्या होगा वहां पे। मैं बता रहा हूं मेरी प्रेडिक्शन थी, मेरी प्रेडिक्शन है आज भी, मैं बता रहा हूं डॉलर 200 से ऊपर जाएगा विद इन 1 month or 2 months। और इस वक्त आपके, मेरा मकसद और ये जो हालात आपके चल रहे हैं, आपका कोई इस वक्त नुमाइंदा जो है वो किसी को कन्विंस नहीं कर सकता आपकी मुआशी, आपकी सियासी और फॉरन पॉलिसी पे, आपके बिल्कुल फ्री फॉल में, आपको बिल्कुल कोई पता नहीं आप कहां जा रहे हैं, किस मुल्क के साथ आप हैं या नहीं है, डॉलर बेस है आपकी सारी, हर चीज चल रही है, IMF दे दे तो आप उसके साथ है, चाइना दे दे तो आपको उसके साथ है, इसके अलावा आपकी कोई पॉलिसी नहीं। फिर ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। और तारड़ साहब, इसमें इमरान खान साहब श्रीलंका गए जब अपने आखिरी टूर में, तो इमरान खान साहब ने कहा जनाब कि आप रिलीजियस टूरिज्म के लिए पाकिस्तान आए, हम बड़े आपको फैसिलिटीज करेंगे। तारड़ साहब एक बात बताएं, एक तरफ तो यूरोपियन पार्लियामेंट ने पिछले महीने नवंबर में, तारड़ साहब 4 रुकनी ग्रुप आया और उन्होंने कहा कि अगर आपने ब्लास्फेमी लॉज, ह्यूमन राइट्स और ये अपना ट्रैक रिकॉर्ड ना ठीक किया मीडिया फ्रीडम के हवाले से, तो हम 2023 में आपको GSP प्लस स्टेटस आपसे वापस ले लेंगे, एक बात। दूसरी तरफ तारड़ साहब पोजीशन ये हो गई है कि ये कहा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर कि ये जो फसल हमने खुद बोई थी अब ये फसल लहरा रही है, हमने खुद ही बोई थी अब ये फसल लहरा रही है, हमने इसकी गोडी की, इसकी आबियारी की, मजहबी जमातों ने और हमारी रियासत इसमें शामिल थी इस इंतहा पसंदी को फैलाने में, और ये मजहबी जुनूनी जत्थे जो हैं यही हमारा मुस्तकबिल है, सियासी जमातों ने अपना इसमें किरदार डाला और हर जमात ने। तारड़ साहब अगर ये चीजें हैं, हम तो दुनिया को कह रहे थे हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, वो कहते हैं कौन सी जंग लड़ी भाई तुमने, वो तो क्वेश्चन लगाते हैं कि आपके मुल्क में तो जुनूनी है। तो ये जो रियासत के इन्वॉल्व होने की बात है, ये हमने गोडी की, आबियारी की, ये फसल तैयार की, ये फसल पकी हुई है, अब हर बंदा, वो जो फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट दी है, टाइम बॉम्ब है, ये लगे हुए हैं हर जगह पूरे पाकिस्तान में लगे हुए, कहीं ना कहीं फटते रहेंगे, और जीएसपी प्लस स्टेटस 2023 में जा रहा है। सर इस पे क्या कहते हैं आप? इस पे मैं ये कहूंगा कि जितने आपकी ये फसल जिन्होंने बोई थी उनके सबके बच्चे अमेरिका और इंग्लैंड में बैठे, उनका सबका इंटरेस्ट अमेरिका और इंग्लैंड में। अफसोस 20,000 लोग इस वक्त आपके पाकिस्तान में ऐसे बैठे हैं जिनका पाकिस्तान के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपकी ये फसलें भी वही बोते हैं। आप थोड़ी सी अपनी इकोनॉमिक टीम देख लें, इस वक्त आज से 2 साल पहले उन्हें पाकिस्तान का पता भी नहीं था कि पाकिस्तान कहां खड़ा है, वो टोटल टीम बाहर से गई है, टोटल बाहर से। और इसी तरीके से 20,000 लोग ऐसे हैं जो या उनके बच्चे डुअल नेशनल हैं या उनके अकाउंट बाहर हैं, प्रॉपर्टियां उनके बाहर हैं, पाकिस्तान में हर फैसला वो करते हैं और उनका पाकिस्तान के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं। आपका सिर्फ अलमिया यही, सिर्फ अलमिया यही, और ये जब तक नहीं रुकेगा उस वक्त